हाल ही में पब्लिश किए गए ब्लूमबर्ग चेज रिपोर्ट के मुताबिक जेफ बेजोस ने एक दिन में अपने कुल संपत्ति का 80,000 करोड़ गवा बैठे। इसी के साथ इलोन मस्क भी अपने कुल संपत्ति का 80,000 करोड़ रुपया गवा बैठे, जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि अडानी, जो भारत का सबसे अमीर आदमी और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट अमीर आदमी बना है, वो अभी जेफ बेजोस की स्थान लेने वाला है। यानी कि जेफ बेजोस को वो पीछे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी इन दोनों की अंतर जस्ट कुछ ही बिलियन डॉलर की फर्क रह चुकी है। और यही बताया जा रहा है कि अडानी अब वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पर्सन बनने वाले हैं, क्योंकि अभी फेडरल बैंक ने कुछ रूल्स यानी कि रेट की बारे में चर्चा किया है, जिसके तहत पता ये चल रहा है कि इन दोनों की अमेरिका की अरबों खरबों रुपयों की मालिक की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है एक ही दिन में, ट्यूजडे में ये घटी है। और अभी बताया ये जा रहा है कि प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि अडानी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बन सकता है कुछ ही दिनों में। और इसी के साथ जेफ बेजोस वर्ल्ड थर्ड पर्सन बनने वाले हैं, वर्ल्ड थर्ड वेल्थस पर्सन भी बन सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे।